हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। गाइस, मैं संदीप कुमार आपके इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ जिसका नाम है एक्सपर्ट नॉलेज। आज हम फ्रेंड्स इस वीडियो में एसएसबी 800 बेहतर पोस्ट के बारे में दोस्तों बात करेंगे। आपकी फाइनल कट ऑफ आपकी बार क्या रह सकती है, आपकी कितनी पोस्ट बढ़ने की आशंका आपकी बार जताई जा रही है फ्रेंड्स, ठीक है, आप कितनी पोस्ट बढ़ेंगी, और गाइस आप प्री मेडिकल में कितने बच्चे अभी पास हुए थे और कितना कंपटीशन है आपकी बार, हम सारे डिस्कस वीडियो में करेंगे। तो फ्रेंड मेरी वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। हम आपका ज्यादा समय ना लेते वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। फ्रेंड्स से नीचे आइए तो गाइज यहाँ पे देखिए री मेडिकल सिलेक्टेड कैंडिडेट। फ्रेंड्स री मेडिकल में कम से कम मान लीजिए, यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ मैं, 800-900 बच्चे कम से कम री मेडिकल में मतलब चले गए थे, कि मतलब उनका री मेडिकल हुआ था 800-900 बच्चों का, उसमें से 500 बच्चे आपके सिलेक्ट हो गए थे, ठीक है, 500-600 समथिंग। मैं आपको ये क्लियर डाटा नहीं है गाइज, लेकिन मैंने मतलब कई उसे पूछा है, ठीक है, तब आपको बता रहा हूँ, जानकारी दे रहा हूँ मैं, ये 800-900 में से कम 500-600 बच्चे सिलेक्ट हुए थे गाइस मतलब री मेडिकल में, ठीक है। और पहले से मान लीजिए इसमें कम से कम 500-700 बच्चे पहले से थे, तो अब की बार का मैं ये मान लीजिए कंपटीशन ज्यादा हार्ड लेवल में बिल्कुल भी नहीं है। आपके 1300 या 1400 बच्चों में से आपका जो फाइनलिस्ट बननी है वो ओनली 1300 या 1400 बच्चों में से बन के तैयार होनी है, तो आपको बिल्कुल भी डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है गाइज। यूट्यूब पे वीडियो बन रही है दिन पे दिन की आपकी कट ऑफ 60-65 प्लस जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है गाइज, आपकी कट ऑफ बहुत कम रहने वाली है। और गाइज आपकी कंपटीशन अकॉर्डिंग में आपकी जो कट ऑफ लिस्ट रह सकती है मैं आपको बता देता हूँ एक बार, ठीक है। तो गाइज नीचे आइए तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए फाइनल कट ऑफ लिस्ट है। तो गाइज यहाँ पे देखिए जो भी गाइज जनरल कास्ट से बिलोंग करते हैं, जो स्टूडेंट जनरल कास्ट से बिलोंग करते हैं, जिनके भी मार्क्स 55 से 60 के बीच में है या फिर 55 है, एक दो नंबर आगे पीछे हो सकता है, ठीक है गाइज। जो भी जनरल कास्ट से बिलोंग करते हैं, जिनके भी मार्क्स 55 या 60 प्लस है गाइज, ठीक है, उनके गाइज अब की बार बिल्कुल श्योर सिलेक्शन है उनका, जिनके भी 55 और 60 के बीच में मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है। और गाइज नीचे देखिए ओबीसी, जो भी स्टूडेंट ओबीसी कास्ट से बिलोंग करते हैं, जिनके भी मार्क्स 50 और 55 के बीच में बन रहे हैं गाइज, उनका सिलेक्शन आपकी बार बिल्कुल श्योर समझे आप, ठीक है, बिल्कुल सेफ जोन में आते हो, आपको डीमोटिवेट होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है गाइज, ठीक है। जो भी ओबीसी से बिलोंग करते हैं उनके नंबर 50 55 से समथिंग बन रहे हैं, तो आपका पक्का सिलेक्शन आपकी बार गाइज, ठीक है। तो नीचे आइए तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए एसटी, यहाँ पे गाइज कास्ट है एससी, ठीक है, जो भी एससी से स्टूडेंट बिलोंग करते हैं एससी कास्ट से, अगर आपके मार्क्स 45 से लेके 50 के बीच में बन रहे हैं गाइज, आपका सिलेक्शन आपकी बार बिल्कुल श्योर है, ठीक है, आप पे बिल्कुल डीमोटिवेट मत होइए, आपका सिलेक्शन आपकी बार 100% होगा, ठीक है। जो भी एससी से बिलोंग करते हैं जिनके मार्क्स 45 या 50 प्लस हैं, ओके। और जो भी फ्रेंड्स एसटी से बिलोंग करते हैं जिनकी कास्ट एसटी है गाइज, अगर आपके मार्क्स 44 से लेके 48 के बीच में बन रहे हैं, अराउंड में बन रहे हैं, एक दो नंबर आगे पीछे हो सकता है, तो फ्रेंड्स आपका भी सिलेक्शन श्योर है। जो भी एसटी कास्ट से बिलोंग करते हैं, जो भी हिल एरिया से बिलोंग करते हैं, पहाड़ी इलाके से बिलोंग करते हैं, जो वो एसटी कास्ट में बिलोंग होते हैं गाइज, ठीक है, मतलब जो एसटी अलग से कास्ट होती है ये, और जो भी हिल एरिया से बिलोंग करते हैं ना, मतलब जो पहाड़ी इलाकों से बिलोंग करते हैं, उनकी उनके गाइज कट ऑफ समथिंग ऐसी रहने वाली है 44 से 48 के बीच में। जो भी हिल एरिया से बिलोंग करते हैं, जिनकी मतलब की पहाड़ी इलाके से बिलोंग करते हैं जो बंदे, उनकी कट ऑफ अब की बार यही रहने वाली है। तो गाइज आपका कंपटीशन ज्यादा हार्ड नहीं है, आपको यूट्यूब पे वीडियो देखने को मिल रही होंगी कि आपकी कट ऑफ ज्यादा जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, आपकी कट ऑफ ज्यादा बिल्कुल नहीं जाने वाली है। आपका जो भी गाइज इसमें कंपटीशन है बिल्कुल लो लेवल में है, आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है यार, ठीक है, जब आपने इतनी मेहनत की है गाइज, तो यार आपकी मेहनत का फल आपको पक्का मिलेगा यार, ठीक है, आपकी कट ऑफ इतनी ज्यादा नहीं जाएगी। मैंने जो बताया गया जिसके अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ जाने वाली है, एक दो नंबर आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आपकी कट ऑफ इतनी जाएगी। और फ्रेंड्स मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आपने अपने मार्क्स मुझे आप कॉमेंट बॉक्स में बताइए गाइज, ठीक है। और गाइज अब बात कर लेते हैं आपकी कितनी पोस्ट अब की बार बढ़ सकती है इसमें, ठीक है, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स 250-300 वैकेंसीज इंक्रीज्ड ओनली। गाइज आपको पता होगा आपकी जो वैकेंसीज हैं ये कम से कम ये मतलब जो भर्ती निकली हुई है 3-4 साल से निकली हुई है अब तक, ठीक है, अब तक ये क्लियर नहीं हो पाई है। तो गाइज में आपकी आशंका ये मान ली कम से कम 250-300 वैकेंसी आपकी बढ़ने की पूरी पूरी आकांक्षा है, मतलब आशंका जताई जा रही है कि आपकी जो वैकेंसी है ये इंक्रीज होने के पूरे पूरे चांस हो रहे हैं गाइज, आपकी 250-300 वैकेंसीज बढ़ सकती है, लेकिन ये नहीं है कि आपकी 500 वैकेंसीज बढ़ेंगी 600 बढ़ेंगी, ऐसा कुछ नहीं है गाइज, ठीक है, बहकाव में मत आइए, जो रियल आपको बता रहा हूँ मैं, 250-300 वैकेंसीज बढ़ सकती है, वही मुश्किल से, इसका पक्का नहीं पता अभी, लेकिन जब बढ़ेंगी गाइज मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, आपको मैं बता दूंगा। और जो लोग चैनल पे नए हैं गाइज मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए गाइज गवर्नमेंट जॉब की न्यूज पाने के लिए, ठीक है, क्योंकि गाइज एसएसबी या गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहता हूँ, जो आपके लिए काफी हेल्पफुल होती है। और गाइज जो भी मतलब अगर आप चाहते हो गवर्नमेंट जॉब की नौकरी पाना, तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए नीचे रेड कलर के बटन पे क्लिक करके। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही है दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और फ्रेंड्स कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें।